दोस्तों आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का नया ट्रिक बताने जा रहे हैं, जो कि कहता है एक वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाता है तो 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, उसका दर क्या होगा, ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, कोई धन जो है राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाता है, कितना, स्वयं का 8 गुना हो जाता है, कितना वर्ष में, 3 वर्ष में हो जाता है, तो दर क्या होगा, तो क्या दर पूछ रहा है दोस्तों, यानी स्वयं का 8 गुना हो जा रहा, कितना वर्ष में, 3 वर्ष में, यानी 1 वर्ष स्टार्ट हुआ, यानी कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो गया, कितना गुना दोस्तों, 8 गुना हो गया। अगर 3 वर्ष का आएगा तो हम क्यू निकाल देंगे, 2 वर्ष का आएगा तो उसको इस रूट निकाल देंगे, यानी इसका क्यू रूट हो गया, इसको क्यू रूट हो गया, तो कितना हो जाएगा, इसको 1 हो जाएगा, इसको कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। अब इतना के अनुपात में बढ़ा है, यानी 1 से 1 बढ़ गया, यानी कितना बढ़ा, इसका अंतर कितना हुआ, 1 हुआ, यानी पहले था 1, फिर कितना हो जाएगा, हो हुआ 2 हुआ, यानी कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, कितना में, तो 1 में, यानी कितना से बढ़ा, तो इतना से बढ़ा, यानी 1 से बढ़ा, परसेंट के लिए 100 से गुना, यानी कितना हो जाएगा, 100% हो गया दोस्तों, कितना हो गया, 100%। अब अगला क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुनी हो जाती है, क्या 1.44 गुनी हो जाती है, तो उसे ब्याज दर क्या होगा, कितना ब्याज दर कह रहा है दोस्तों, तो कितना कह रहा है, कितना वर्षों में, तो 2 वर्षों में कह रहा है दोस्तों, कितना, 2 वर्षों में, यानी 1 से चले कितना, 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 1.44 हो रहा, 1.44 हो रहा, कितना, 2 वर्षों में, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 को 0 नीचे आएगा, ठीक है, ये अनुपात में यहाँ सीधे गुना हो गया, कितना, यहाँ से सीधे गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये दोस्तों, ये 100 हो जाएगा, ये कितना ऊपर में बचेगा, 144। अब 2 वर्ष रहेगा तो क्या करेंगे, इसका रूट निकालेंगे, ठीक है, और 3 वर्ष रहेगा तो क्यू रूट निकालेंगे, यहाँ 2 वर्ष है, यानी इसका 10 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 10 था दोस्तों, अब 12 हो गया, कितना हो गया दोस्तों, 10 से 12 हो गया, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, कितना में बढ़ा, कितना से बढ़ा, तो 10 से बढ़ा, कितना से बढ़ा, 10 से बढ़ा, परसेंट के लिए 100 से गुना, 1 0 से 1 0 काट गया, कितना हो गया दोस्तों, 20% हो गया, कितना हो गया दोस्तों, 20% हो गया। अब अगला क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज यानी प्रति वर्ष संयोजित से 2 वर्ष के लिए, यानी 2 वर्ष के पश्चात मिश्रधन जो होता है मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या हो जाएगा, कितना दर कह रहा है दोस्तों, पहले कितना, 1 से कितना हो रहा है, 2.25, पॉइंट हटेगा तो 2 को 0 नीचे आएगा, ठीक है, अब ये यहाँ गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये कितना होगा, 225 हो जाएगा, कितना वर्ष हो रहा है, टाइम 2 वर्ष का रहा, तो हम क्या करेंगे, रूट निकाल देंगे, कितना का है, क्या करेंगे हम, रूट इसका निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा, 15 ये इतना के अनुपात में होगा, कितना, अब कितना बढ़ा, 10 से 5 बढ़ा, कितना बढ़ा, 10 से 5 बढ़ा, तो कितना, 5 बढ़ा, कितना से, 10 से, ठीक है, परसेंट के लिए कितना, 100 से गुना करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, इन कितना, 50%, कितना दोस्तों, 50%। अब अगला क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का CI जोड़कर 3.3/8 गुनी हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, कितना कह रहा है दोस्तों, 3.3/8, कितना, 3.3/8 गुनी कह रहा है दोस्तों, कितना, इतना गुनी कह रहा है, तो
तो ये स्टार्टिंग कितना से एक से, ये अनुपात यात्री की 24, 24 और 3 27, यानी 27 बटा कितना हो जाएगा 8, ये 8 8 कहाँ चल जाएगा दोस्तों, यहाँ गुना हो जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा, यानी 8 ही हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, कितना 27, टाइम कितना बोल रहा है 3 वर्ष कह रहा है, कितना 3 वर्ष, तो क्या करेंगे इसको क्यूरी रूट निकालेंगे, क्या करेंगे क्यू रूट निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 2 इसको होगा, इसको कितना होगा 3 होगा, कितना 3 होगा, अंतर कितना है 1 है, यानी कितना से बढ़ा 1, यानी 2 से बढ़ा, कितना दोस्तों 2 से बढ़ा 1, यानी 1 बढ़ा कितना से 2 से, परसेंटेज के लिए 100, परसेंटेज के लिए 100, कट गया दोस्तों 50 बार में, कितना 50% आ गया दोस्तों, कितना आ गया दोस्तों 50% आ गया, ठीक है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी आठगुनी हो जाती है, यानी अपने आप को क्या आठगुनी हो जाती है, तो ब्याज दर क्या होगा, क्या ब्याज दर क्या होगा, स्वयं को आठगुनी हो जाती है, यानी 1 से 8 गुनी हो जाती है, कितना वर्ष में दोस्तों, कह रहा 3 वर्षों में, कितना 3 वर्षों में, तो इसको रूट निकालेंगे, क्या रूट निकालेंगे, यानी 1 होगा, इसको 2 हो जाएगा, इन कितना अनुपात में बढ़ा, यानी 1 से 1 बढ़ा, तब ना हुआ 2, अब कितना बढ़ा, यानी 1 कितना से, तो 1 से बढ़ा, यानी 1 गुने परसेंटेज के लिए 100, कितना हो गया दोस्तों 100% हो गया, कितना हो गया दोस्तों 100% हो गया। यदि 27 रुपया जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 64 रुपया हो जाता है, कितना 64 रुपया हो जाता है, तो दर क्या होगा, यानी 27 रुपया से कितना हो रहा है 3 वर्ष में 64 रुपया हो जा रहा है, पहले कितना था दोस्तों 27 रुपया, अब कितना हो गया 64 रुपया हो गया, कितना वर्ष में 3 वर्ष में, तो इसको क्या बोले क्यू रूट निकाल देंगे, क्या करेंगे इसको क्यू रूट निकालेंगे, तो कितना का है, तो ये 3 हो गया, इसका 3 होगा, इसका कितना होगा 4 होगा, यानी इतना के अनुपात में, यानी पहले था 3, 1 बढ़कर कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया, यानी इसका इसका अंतर कितना होगा 1 हो गया, यानी 1 बढ़ा कितना से 3 से, कितना से 3 से बढ़ा, परसेंट के लिए 100, यानी इसका क्या होगा 33 सही 1/3%, कितना 33 सही 1/3%, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन, 1 रुपया से 98 रुपया, फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए दोस्तों, कह रहा यदि 72 रुपया सीआई पर 2 वर्ष में 98 रुपया हो जाता है, तो दर क्या हो जाएगा, कितना 72 से कितना 98 हो जाता है 2 वर्ष में, तो कट नहीं ना रहा, देखिए वर्गमूल भी नहीं है ना घन रूट क्यू है, तो क्या करेंगे इसको काट देंगे, तो यानी क्या हो जाएगा ये 36 हो जाएगा, और ये कितना कटेगा, यानी 4 × 8 और 9 × 18, यानी 49 हो जाएगा। अब कितना 2 वर्ष का आ रहा दोस्तों, कितना कह रहा है क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 वर्षों में, कितना कह रहा है दोस्तों 2 वर्षों में कह रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको रूट निकाल देंगे, इसको क्या करेंगे रूट निकालेंगे, यानी 6 अनुपात इसका 7 होगा, यानी इसका अंतर कितना हुआ 1 हुआ, पहले था 6, अब कितना हुआ 7 हो गया, कितना की बढ़ोतरी 1 के बढ़ोतरी, कितना से 6 से, कितना से 6 से, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, क्या 100 से गुना करेंगे, कट रहा कट रहा, यानी 3 यहाँ 50, यानी क्या होगा 16 से ही 2/3, यानी क्या 50/3, यानी 16 × 48 = 50/3%, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन, यदि 10/24 रुपया है चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 45/58 हो जाता है, तो दर क्या होगा, कितना कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए,
दस और चौबीस पर डबल जीरो, ठीक है। और फिर कितना हो जा रहा है दोस्तों, चौदह, कितना हो रहा है, चौदह अंठावन पर डबल जीरो, चौदह अंठावन पर डबल जीरो। और फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मैंने इतना से तीन वर्षों में, कितना, तीन वर्षों में इतना से इतना हो जाता है, मैंने तो दर क्या होगा, क्या दर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अब काटेंगे तो कट जाएगा, देखिए दो जीरो से दो जीरो कट गया, दो जीरो से दो जीरो कट गया, और देख रहे हैं दो से कट रहा नहीं कट रहा, दो पाँच दस, दो एकम दो और दो दूना चार, यानी पाँच सौ बारह, दो से कट रहा सात दूना चौदह, दो दूना चार और नौ दूना अठारह। अब देख रहे हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तीन वर्ष में कह रहा दोस्तों, कितना, तीन वर्ष में कह रहा, तो क्या क्यू रूट कर देंगे इसका, क्या करेंगे दोस्तों, क्यू रूट कर देंगे, क्या क्यू रूट कर देंगे, तो क्या होगा, क्यू 512 किसका होता है, तो 8 का होता है, किसका, 8 का, और 729 किसका होता है, 9 का होता है, कितना, 9 का होता है। तो पहले था 8, बढ़कर कितना हो गया 9, यानी कितना अंतर हुआ दोस्तों, एक हुआ, कितना एक हुआ, यानी 1 बटा कितना में बढ़ा, इन कितना से, तो 8 से बढ़ा, परसेंटेज के लिए 100, परसेंटेज के लिए 100 काटेंगे कट जाएगा, यानी चार से कटेंगे तो चार दूना आठ और पच्चीस चौका सौ, यानी कितना हो जाएगा, बारह सही, कितना, बारह सही 1/2%, कितना, बारह सही 1/2%, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन, हाँ जी।